हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल है। दिस इज यश, योर टेकमेट। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्फिनिक्स की तरफ से इंडिया में लॉन्च हो रहे नए स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स नोट 40 सीरीज बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाली है। प्रोबेबली मार्च के महीने में ये जो सीरीज है आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगी। एंड इस सीरीज में इस बार 4 नए स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे। इन्फिनिक्स नोट 40 वेनिला वेरियंट 4G रहेगा। इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो के 2 वेरियंट्स आपको मिलेंगे, 4G वेरियंट एंड 5G वेरियंट। एंड साथ ही साथ इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो प्लस भी लॉन्च किया जाएगा। तो 4 नए स्मार्टफोन्स आपको इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। आज की वीडियो में बात करते हैं इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 4G वेरिएंट के बारे में, क्योंकि इस फोन से जुड़े लगभग सारे स्पेसिफिकेशंस रिवील हो चुके हैं। तो बात करते हैं इस फोन के बारे में, क्या स्पेसिफिकेशन मिलने वाले हैं, क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, क्या प्राइस पॉइंट रह सकता है, सारी चीज डिस्कस करते हैं। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। एंड चैनल पर अगर आप नए हैं, ऐसे ही कॉन्टेंट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बात करते हैं फोन के बारे में, स्टार्ट करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से। बिल्ड क्वालिटी सॉलिड आपको मिलेगी भाई साहब, ग्लास बिल्ड यहां पर आपको मिलेगा, ग्लास फ्रंट रहेगा, ग्लास बैक रहेगा, प्लास्टिक का फ्रेम आपको मिलेगा। साथ ही साथ आईपी रेटिंग भी यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। प्रोबेबली IP52 की रेटिंग यहां पर आपको मिलेगी या IP54 की रेटिंग भी मिल सकती है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी रहने वाली भाई। नोट 30 सीरीज की बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, नोट 40 सीरीज में भी आपको बिल्ड क्वालिटी में कोई शिकायत नहीं आएगी। डिजाइन की अगर बात करें, इस फोन के लाइव रेंडर्स लीक हो चुके हैं। इन रेंडर्स में देख करके क्लियर हो जाता है भाई साहब की डिजाइन लैंग्वेज क्या रहने वाला है। बैक पैनल में टॉप लेफ्ट में आपको कैमरा सेटअप मिलेगा, जहां पर 3 कैमरास की हाउसिंग रहेगी। साथ ही में आपको एलईडी फ्लैश मिलेगा, इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग आपको मिलेगी। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो सेंटर पंचोल वाला डिस्प्ले आपको मिलेगा, कर्व डिस्प्ले यहां पर आपको दिया गया है एंड पतली सी चेन आपको मिलती है। एंड कलर्स की बात करें तो गोल्ड कलर आप रेंडर्स में देख ही सकते हैं, साथ ही में आपको ब्लैक या ग्रे कलर देखने के लिए मिल सकता है। सो यस, दिखने में स्मार्टफोन अच्छा रहेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कर्व डिस्प्ले के साथ में आने वाला है, सो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन में आपको शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में, इस फोन के अंदर आपको 6.78 इंचेस का बड़ा सारा डिस्प्ले मिलेगा। कंटेंट वॉचिंग में आपको मजा आएगा भाई साहब, डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी आपको मिलेगी, लेकिन एट द सेम टाइम बल्कि रहेगा, सिंगल हैंड यूज से डिफिकल्ट रहेगा। प्लस कर्व डिस्प्ले है तो मिस टच या फॉल्स टच की दिक्कत आपको आ सकती है। वैसे भी आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कर्व डिस्प्ले, मेरे को तो भाई पर्सनली फ्लैट डिस्प्ले अच्छे लगते हैं, लेकिन यहां पर आपको कर्व डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा जो कि एक प्रीमियम टच ऐड करता है, लेकिन साथ ही में कुछ फॉल्स टच की दिक्कत भी आती है। 6.78 इंच का जो डिस्प्ले रहेगा वहां पर आपको फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन मिलेगा एंड सुपर AMOLED पैनल भी यहां पर आपको दिया जाएगा। सो यस, डिस्प्ले क्वालिटी कॉन्टेंट वॉचिंग के लिए बहुत अच्छी रहेगी। 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो रहेगा, 393 PPI के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिलेगी, वाइड वाइन L1 का भी सर्टिफिकेशन यहां पर आपको मिलेगा। तो Amazon Netflix पर आप HD में कंटेंट रगड़ पाएंगे, ये काफी अच्छी बात है। हालांकि HDR सर्टिफाइड डिस्प्ले नहीं रहेगा। साथ ही साथ यहां पर ब्राइटनेस की बात करेंगे, 1200 nits के आसपास आपको ब्राइटनेस मिलेगी, तो विजिबिलिटी का भी इशू नहीं रहेगा भाई। इंडोर विजिबिलिटी आउटडोर विजिबिलिटी दोनों तगड़ी आपको मिलने वाली है। प्लस 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिलेगा, तो स्मूथनेस आपको अच्छी मिलेगी। 240 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट देखने के लिए मिलेगा, तो टच रिस्पांस भी आपको बढ़िया मिलेगा। ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी में शिकायत नहीं आएगी, डिस्प्ले क्वालिटी आपको बढ़िया मिलने वाली है। बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, यहां पर आपको मिलेगा MediaTek Helio G99 प्रोसेसर। यस, काफी पुराना प्रोसेसर है, लेकिन प्रोसेसर अच्छा है, परफॉर्मेंस आपको अच्छी देगा। 6 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है, एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी देता है, हीटिंग का इशू कम देता है, थर्मल मैनेजमेंट बढ़िया रहता है एंड परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी देता है, क्योंकि 2.2 GHz की पीक क्लॉक स्पीड यहां पर आपको मिलती है। आर्म कॉर्टेक्स A76 वाले आपको 2 कोर्स मिलते हैं जो कि मल्टीटास्किंग आपको बढ़िया करा देते हैं, डे टू डे की परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं। गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए आर्म वाली G57 MC2 GPU यहां पर आपको मिलता है जो कि डुअल कोर GPU है, अच्छी गेमिंग आपको करा देता है। 40 FPS की गेमिंग आप आराम से कर सकते हैं, शिकायत आपको नहीं आती है। साथ ही साथ LPDDR4X RAM यहां पर आपको मिलेगा, UFS 2.2 वाला स्टोरेज मिलेगा, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको शिकायत नहीं आएगी, लेकिन 5G कैपेबिलिटीज यहां पर आपको नहीं मिलेगी, 4G वेरिएंट रहने वाला है।
बात करेंगे कैमरास के बारे में। तीन कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा रहेगा, साथ ही में 2-2 मेगापिक्सल के दो छोटू आपको देखने के लिए मिलेंगे डेप्थ सेंसिंग एंड मैक्रो शॉट्स के लिए। तीन कैमरास पीछे की तरफ रहेंगे। अच्छी बात यह है कि रेयर कैमरा से आप 2K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। एंड सेल्फी कैमरा की अगर बात करें तो फ्रंट में प्रोबेबली आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, एंड सेल्फी कैमरा से भी आप 2K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप की बात करें, कैमरा सेटअप बढ़िया मिलने वाला है। सेल्फी कैमरा को लेकर के हल्का सा डाउट है, 16 भी मिल सकता है, 32 भी हो सकता है। जैसा मैंने आपको बोला, ये जो स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बता रहा हूं, ये लीक्ड स्पेसिफिकेशंस हैं, ये कंफर्म्ड स्पेसिफिकेशंस नहीं है। तो प्रोबेबली हल्के फुल्के चेंजेस आपको मिल सकते हैं, जिसमें से एक चेंज आपको सेल्फी कैमरा में मिल सकता है कि प्रोबेबली 32 भी यहां पर हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, कैमरा सेटअप आपको बढ़िया मिलेगा, कैमरा में ज्यादा शिकायत नहीं आएगी। बैटरी की अगर बात करें, 5000 mAh की बड़ी बैटरी यहां पर आपको मिलेगी। एनर्जी एफिशिएंट चिपसेट के साथ में, AMOLED के डिस्प्ले के साथ में 5000 mAh की बैटरी, कॉम्बिनेशन अच्छा है। बैकअप आपको अच्छा मिलेगा, बैकअप में शिकायत नहीं आएगी। नॉर्मल यूसेज पर एक दिन से सवा दिन तक का बैकअप ये जो बैटरी है आपको आराम से निकाल करके देगी। साथ ही साथ यहां पर आपको 70 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, एंड 70 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर भी दिया जाएगा। ये काफी अच्छी बात है। बैटरी का साइज अच्छा है, बैकअप आपको अच्छा मिलेगा, चार्जिंग स्पीड अच्छी दी गई है, चार्जर इन बॉक्स दिया गया है, प्लस ऑल राउंड फास्ट चार्ज 2.0 टेक्नोलॉजी का यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा, जहां पर आपको बाईपास चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, प्लस मैग्नेटिक चार्जिंग का भी सपोर्ट यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। Infinix की तरफ से बैटरी मॉड्यूल में आपको कुछ नया डेफिनेटली सीरीज में देखने को मिलेगा। सो यस, बैटरी मॉड्यूल में आपको शिकायत नहीं आएगी। चार्ज करने के लिए USB टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा, 3.5 mm जैक भी यहां पर आपको दिया जाएगा। सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की अगर बात करें, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलेगा, फेस अनलॉक ऑप्शन आपको मिलेगा, छोटर पोटर इधर उधर के सारे सेंसर्स मिलेंगे, सेंसर्स में आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगी। बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, एंड्रॉइड 14 के ऊपर आपको फोन मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन यहां पर आपको मिलेगा, प्लस XOS 14 मिलेगा, जहां पर ब्लोटवेयर्स आपको भर के मिलेंगे, एड्स भी आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ फीचर्स भी आपको मिलते हैं, फीचर रिच UI है। सो ओवरऑल सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस आपका डिसेंट रहेगा। स्पीकर्स की अगर बात करेंगे, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, तो ऑडियो क्वालिटी बढ़िया मिलने वाली है, वेल ट्यून्ड स्पीकर्स रहेंगे, साथ ही साथ कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले भी आपको दिया गया है, तो फोन का जो ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है वो काफी बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ कार्ड स्लॉट की अगर बात करें, तो हाइब्रिड कार्ड स्लॉट यहां पर आपको मिलेगा, जहां पर दो नैनो सिम आप लगा पाएंगे या फिर एक सिम को निकाल करके उसकी जगह आप एक्सपेंडेबल स्टोरेज का यूज कर पाएंगे। ओवरऑल अगर स्पेसिफिकेशन देखे जाए, इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशंस हैं। सबसे पहली बात, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले इस बार आपको देखने को मिलने वाला है। दूसरी बात, मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट यहां पर आपको मिलने वाला है। तीसरी बात, 70 वॉट की वायर्ड चार्जिंग तो डेफिनेटली आपको मिलने वाली है। सो मेरे हिसाब से ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस काफी सही है, काफी इंटरेस्टिंग है। ओवरऑल ये जो सीरीज है काफी सही सीरीज होने वाली है, एंड मेरे हिसाब से अगर आपको एक बजट में अच्छा स्मार्टफोन लेना है, जहां पर 5G आपकी प्रायोरिटी नहीं है, तो ये जो स्मार्टफोन है डेफिनेटली बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पर आएगा। वेरिएंट्स की अगर बात करें, 8+128, 8+256 दो वेरिएंट रहेंगे, प्राइस इसका समवेयर अराउंड 15,000 रहेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 5G फोन लेना है या 4G फोन से आप काम चला सकते हैं। अगर 4G फोन से काम चला सकते हैं, मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, एंड डेफिनेटली इस फोन का आपको वेट करना चाहिए। लेकिन आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपके क्या विचार हैं, क्या आप इस फोन का वेट करने वाले हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, ऑल वाला ऑप्शन जरूर से सिलेक्ट करें, ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।